दिनेशपुर के कंटोपा गांव में भीषण अग्नि से 15 परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए। वह सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं और उन्होंने मेहनत कर दो पैसे जोड़कर अपने घरों में सामान बनाए थे। सभी के घर कच्चे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जिनके घर उजड़े हैं उनकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है तो पीड़ित परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मौके पर पहुंचे रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठकुराल ने लोगों को सांत्वना देकर मदद का आश्वासन दिया है तो एसडीएम सहित तहसीलदार ने तत्काल मदद राशि की बात कही है। मंगलवार को NH 74 पर जाफरपुर के निकटवर्ती गांव कंटोपा में उस समय हड़कंप मच गया जब रसोई में रखे सिलेंडर जोरदार आवाज के साथ फट गया, जिसे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के 15 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। तो परिजन व ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए, कुछ अपने घरों में रखे सामान को बचाने में लग गए। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक सभी मकान जलकर राख हो गए। बस गांव में चीख पुकार का माहौल था। परिवार की महिलाएं अपने उजड़े आशियाने पर रोती बिलखती नजर आईं। नेशनल इंडिया न्यूज के लिए दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। ये कांटोपा हमारा गांव है। ये इस गांव में दोपहर का टाइम कोई दुर्घटना हो गया आपके चक्कर में तो समझ लीजिए 16-17 परिवार जल गया। हम लोग मजदूर करके खाता हूँ तो आके देखा कोई व्यवस्था है नहीं। चलो आग लग गया तो हाँ तो आग लग गया तो फिर वो फायर ब्रिगेड को भी बुलाया, वो लोग भी आए तो जैसे भी ये मदद हो गया, लेकिन बचा कुछ भी नहीं। अब चलो जान का किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान परिवार में किसी का कोई सामान बचा नहीं है। आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उम्मीद ये करता हूँ जो हम लोगों का थोड़ा बहुत जो भी सरकार का तरफ से मदद होता है उसी में हम लोग धन्यवाद है। क्या कर सकते हैं, जब है ही नहीं कुछ हम लोग अब चाहिए गरीब आदमी। हाँ, और क्या चाहिए? काम के लिए हम लोग बाहर जाते हैं और दोपहर में कोई घर में था नहीं, आग लग गया, बहुत नुकसान हुआ, किसी भाषा नहीं और कुछ भी बचा नहीं है। ऐसा आग लग गया है, किसी के दाल चाल कुछ जान मान को खतरा तो नहीं हुआ? नहीं, जान मान को कुछ खतरा नहीं हुआ, खतरा नहीं हुआ, ऐसा मतलब सामान को सब कुछ नहीं बचा, बचा नहीं पाया कुछ। हाँ। कंटोपा गांव में रहा आपके सामने और जितना मुझसे बन पड़ा, यहाँ तक कि कच्चा राशन पक्का हुआ भोजन सब उनके लिए व्यवस्था की है और उनको भी प्रॉमिस किया।